जेडीयू के नेता संजय सिंह ने रिया पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कि ड्रग डीलर और माफिया से थी मिलीभगत। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर सीबीआई की टीम जांच के दौरान सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई है। इसी बीच बॉलीवुड की अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की चैट से एक बड़े सच का खुलासा हुआ है, जिसमें रिया चक्रवर्ती के डिलीट किए चैट को प्रवर्तन निर्देशालय ने रिया के फोन से डिलीट मैसेज का बैकअप निकाला है। इस व्हाट्सएप चैट से साबित होता है कि रिया सुशांत को ड्रग्स देती थी। अब इस चैट के सामने आने से इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस खुलासे के बाद जेडीयू के नेता संजय सिंह ने रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रिया सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि वह क्रिमिनल गैंग चलाने वाली हैं, इनकी माफियाओं से भी मिलीभगत है। जेडीयू के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के गैंग भी चलाती हैं, रिया का एक क्रिमिनल गैंग भी है और व्हाट्सएप चैट जो सामने आई है इससे साफ जाहिर होता है कि रिया का ड्रग्स गैंग से भी मिलना जुलना था, उनके ड्रग डीलर से भी अच्छे संबंध थे। वह चैट पर अपने किसी दोस्त को बता रही हैं कि ड्रग्स को ड्रॉप से डालते हैं। इस मामले से अब ये साबित होता है कि वह एक क्रिमिनल ही नहीं बल्कि ड्रग माफिया के साथ भी जुड़ी हुई हैं। सीबीआई अब इस जांच को पूरा कर जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। इस खुलासे के बाद सुशांत की बहन ने फौरन सीबीआई को ट्वीट कर रिया के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा। उन्होंने ट्वीट में कहा कि यह एक आपराधिक केस है, सीबीआई को तुरंत इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इस मामले में बुधवार को रिया चक्रवर्ती की टैलेंट मैनेजमेंट जया शाह को पूछताछ के लिए समन भी भेजा है। नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी इसके लिए एक मीटिंग भी करने वाले हैं, जिसमें सुशांत के ड्रग्स एंगल को लेकर भी चर्चा की जाएगी। रिया के इस ड्रग चैट से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की साजिश को लेकर शक और गहरा हो गया है। रिया की चैट डिलीट करने के बाद अब बैकअप प्रोसेस में चैट के कुछ अंश भी प्राप्त हुए हैं।